स्वागत है आपका संगीता विश्वरूप चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है शेजवान फ्राइड राइस। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फेसबुक पेज कुकिंग रेसिपी बाय संगीता विश्वरूप को भी अवश्य फॉलो करें। तो आइए फ्रेंड्स, रेसिपी बनाने की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, शेजवान फ्राइड राइस बनाने के लिए हम लेंगे पैन में थोड़ा सा तेल। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए कि हम इसमें डालते हैं बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और बारीक चॉप किया हुआ अदरक। फास्ट फ्लेम पर ही हमें पत्तियों को सौते करना है। थोड़ी सी रोस्ट में निकल जाए तब तक हम सौते करते हैं। अदरक लहसुन की अच्छी खुशबू आने लग गई है और अब हम इसमें डालते हैं ये मैंने बारीक कटी हुई फ्रेश लाल मिर्च ली है, वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। साथ में मिक्स करेंगे एक प्याज बारीक कट किया हुआ, इसमें मैंने स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट भी लिया है। सॉरी, ग्रीन पार्ट तो हम ऊपर से लेंगे, जो व्हाइट पार्ट होता है स्प्रिंग अनियन में वो इसमें लिया है और एक छोटा प्लेन और मैंने अनियन भी इसमें लिया है। और अब मैं इसमें डालती हूँ फूल गोभी बारीक कटी हुई। बारीक कटी हुई फूल गोभी डालिए और अब मैं डाल रही हूँ इसमें कैप्सिकम बारीक कटी हुई। आप इसमें फ्रेंच बीन्स भी आपको पसंद हो अवेलेबल हो तो आप डाल सकते हैं। और अब इसमें मिक्स करेंगे बारीक कट किया हुआ गाजर। और अब सबसे लास्ट में मिक्स करेंगे बारीक कटी हुई पत्ता गोभी। पत्ता गोभी बहुत जल्दी गल जाती है, इसको सबसे लास्ट में मिक्स करना चाहिए। सारी सब्जियां अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं, बहुत कलरफुल लग रही हैं। बस फास्ट फ्लेम ही हमें रखनी है जिससे कि सब्जियां गलती नहीं है और सारा पानी इसमें से निकल जाता है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा अजीनोमोटो, क्योंकि ये सब्जियों का स्वाद बहुत ही अच्छा इन्हेंस करता है। फिर भी आप पसंद नहीं करते हैं अजीनोमोटो डालना तो इसका बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसमें थोड़ी सी शुगर मिक्स कर दें, पर कभी कभी खाना है तो मैं प्रीफर करती हूँ कि सब्जियों का स्वाद बहुत अच्छा इन्हेंस होगा। और अब हम इसमें मिक्स करेंगे राइस, कुक किए हुए राइस। राइस बनाने की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दे रखी है। और आप राइस को 2 घंटे पहले बनाकर फ्रिज में रख दें तो इस तरह से एकदम खिला खिला राइस आपको मिलेगा। बस एकदम हल्के हाथ से हमें राइस को मिक्स करना है। और अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। और अब हम इसमें मिक्स करते हैं मेन इंग्रेडिएंट्स शेजवान चटनी, शेजवान सॉस। शेजवान चटनी की रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की है और डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके डिटेल्स दे रखे हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। फ्रेंड्स, पहले 2 चम्मच शेजवान सॉस पहले मिक्स किया था, थोड़ा सा शेजवान सॉस में इसे मिक्स करी हूँ 1 चम्मच के बराबर। आप अपनी अनुसार क्वांटिटी इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ा स्प्रिंग अनियन भी मिक्स कर लेंगे और सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, रेडी है हमारा शेजवान फ्राइड राइस। मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ। थैंक्स।